सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी ऐसी हालत में मैं आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मुझे हो रखी है कोल्ड और आज दिन है संडे का, मुझे करनी है सफाई। मेरी हालत देख सकते हैं यहाँ पे, मेरी आंखों में कितनी ज़्यादा सूजन हो रखी है कोल्ड की वजह से। आज सुबह मैं उठी सडनली, मुझे कल ऐसा थोड़ा थोड़ा गले में दर्द था और उस मुझे पता नहीं चला, और आज तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मैंने अभी चाय पी है, चाय पी के मैंने क्रोसिन खाई थोड़ा, आधा घंटा मैंने लेटा, उसके बाद से मुझे अभी ऐसा थोड़ा आराम लग रहा है। लेकिन आज है दिन संडे तो क्लिनिक तो खुली नहीं होगी डॉक्टर की, तो कल मैं मेडिसिन ले लूँगी। आज क्रोसिन से काम चला ले रही हूँ और मुझे करनी है घर की आज लास्ट सफाई, क्योंकि आज जो भी है आज सब निपटा देती हूँ। नहीं तो फिर कल से क्या होगा ना, कि कल से फिर त्यौहार है, मुझे कल से स्वीट्स वगैरह जो भी बनाने हैं थोड़े बहुत वो घर के लिए बनाऊंगी। और परसों ही धनतेरस है, और आप लोगों ने मुझे कमेंट में नहीं बताया आप लोग दिवाली कब मना रहे हो, तो प्लीज़ मुझे बताइए आप लोगों के यहाँ दिवाली कब मनाया जा रहा है। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, इसमें क्या सफाई करूँ क्या नहीं, डस्ट से जाने के बाद में ना नोज़ में और ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन आज संडे है, मुझे हेयर वॉश करना है, तो सोच रही हूँ डस्टिंग का काम आज ही निपटा लेती हूँ। बच्चे अभी तक सोए हैं और दिखाती हूँ आप लोगों को, बच्चे अभी तक सोए हैं, घर का काम सारा पड़ा हुआ है, बच्चे यहाँ आराम से सो रहे हैं। लेकिन अभी बच्चे लोगों को भी उठाऊँगी, मुझे घर की सफाई वगैरह करनी है, डस्टिंग जो भी काम करने हैं सारे निपटा देती हूँ। पहले मैं लंच बना के हटा देती हूँ, ब्रेकफास्ट क्या बनाऊँ, क्या इन लोग खाते हैं, आज ब्रेकफास्ट बनाना है। अभी मैंने सिर्फ चाय बना के कड़क अदरक वाली मैंने पी है, तो आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए, चलिए करते हैं फटाफट काम। सो फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे कि इनकी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बट इतना सारा काम कैसे होगा। तो मैंने मेडिसिन ली है क्रोसिन, नॉर्मली जब मुझे थोड़ा से भी मतलब ऐसा कुछ लगता है तो मैं क्रोसिन खा लेती हूँ, और वो हमेशा एनी टाइम मैं घर में रखती हूँ। तो यहाँ मैं कट कर रही हूँ कद्दू, और कद्दू की सब्ज़ी बनेगी, तो इसके साथ मैं रोटी बना दूँगी। और गैस आज भी जाने वाला है, तो फटाफट लंच बना के रख देती हूँ, ब्रेकफास्ट जो भी बनाना है। तो बच्चों से मैंने पूछा, बच्चे उठ गए थे ये सब्ज़ी छौंकते छौंकते, तो बच्चों ने बोला मम्मी आज मैं चाय बिस्किट ही खाने वाली हूँ, और प्रभु जी का फ़ोन भी आ गया था, क्योंकि बच्चे जाते हैं भागवत गीता की क्लास में, तो बस बच्चों को वहाँ जाना था। तो बच्चे ने बोला कि मम्मी आज मैं चार बिस्किट ही खाऊंगी, तो उन लोगों को मैंने ठीक है मैंने बिस्किट दे दी थी नमक वाली और चाय, तो बच्चे वही इंजॉय कर लेंगे जो मन है। ठीक है, आज संडे है तो उनके मन से हो जा रहा, नहीं तो मैं चाय बिस्किट ऐसे देती नहीं हूँ। तो उन लोगों को अपने कफ में ही चाय लेना था, तो उन लोगों को दे दिया, और उन लोग पी के अपना निकल गई थी अपने क्लास के लिए, और उसके बाद में लग गई अपने कामों में। तो तबीयत तो सही में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैं ये सब डस्टिंग करने में सिर्फ मैंने बच्चों के बेडरूम को ही डस्टिंग की है, और ये करने में फ्रेंड्स मुझे इतनी छींकें आई थी ना, अभी भी मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी, बट क्या ही करें, ये भी मेरा काम है, और घर का काम कर ही रही थी तो व्लॉग भी इसी बहाने बन रहा था। अगर मैं लेटी रहूं पड़ी रहूं तो कुछ कोई मुझे कुछ बोलेगा नहीं कि नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हो, काम क्यों नहीं मतलब हुआ है क्या है, ऐसा कोई कुछ है होने वाला नहीं है क्वेश्चन। बट मुझे फील नहीं होती कि अब कल से लाइटिंग वगैरह भी लगने वाले हैं विंडो में, तो वो सब लगाने के लिए मुझे तो खिड़की पहले पोछ के साफ़ करनी ही थी, तो यहाँ पे आज खिड़की की भी मतलब झाड़ पोछ के साफ़ कर देती हूँ, आज लास्ट सफाई है। कल थोड़े बहुत जो भी फ़ैन वगैरह हैं वो कल मैं पोछने वाली हूँ बेडरूम के, ऐसे मैंने सूखे पोछे से तो पोछ दिया है आज सारा, बट कल के लिए सिर्फ छोड़ा है। और आजकल का जो त्यौहार होता है ना, वो समझ में ही नहीं आता कि कब है, क्योंकि दो दिन हर त्यौहार में दो दिन होता है कंफ्यूजन कि आज मनाए कि कल मनाए। तो फ्रेंड्स इस बार भी हो रहा है कि थर्सडे को है फ्राइडे को है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देखते कब कौन मना रहा है। तो यहाँ मैं पहले पूरा घर की जो बेडरूम की ना झाले निकाल दूँगी, और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो इसलिए मैं झाले डस्टिंग वगैरह भी मैं सोच रही हूँ करके निपटा ही दूँ। तो यहाँ अलमारी के पीछे आगे
अभी फ़िलहाल मेरे घर पे हुआ तो था पेंटिंग का काम, लेकिन देखिए कितना डस्टिंग है, कितना आगे पीछे धूल हो गया है। और मैं ना अलमारी आगे पीछे करके सारा जो भी डस्ट होता है मैं निकाल ही लेती हूँ। वैसे तो ये मेरा मंथली डेढ़ महीने में मेरा ये हमेशा ही होता है, ऐसा नहीं कि दिवाली की सफाई हो रही है इसीलिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये तो होता ही रहता है। और कलर कराया हो गया मुझे एक महीना, तो घर तो गंदा होना ही है। तो ये सब पता नहीं क्या क्या बच्चे सब एक्टिविटी लेके करते हैं सारे सामान का, तो आज सारा भंगार मैं निकाल के फेंक ही दूँगी। ये अलमारी हो गई, अब ये वाली अलमारी की बारी है मेरी सासू माँ की। तो ये तो बहुत ही ईजिली, इसके अंदर 2-4 साड़ियाँ ही हैं, बाकी का पार्ट पूरा खाली ही पड़ा है। बस इसका कोई भी यूज़ नहीं है, बस ये साफ़ करने के लिए है यहाँ पर। तो इसके पीछे तो ज़्यादा डस्ट नहीं था क्योंकि यहाँ पे मैंने गेप रखा हुआ है, तो बहुत ही जल्द मतलब इसे बहुत ही जल्दी क्या, इसे डेली के डेली मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो इसके पीछे बिल्कुल भी डस्ट नहीं था फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, जो अलमारी के ऊपर था ना मेरे बच्चे, कुछ ना कुछ मैं सिर्फ हैंगर रखती हूँ कपड़ों का, जैसे कि मैं कपड़े फैलाती हूँ खिड़की में तो हैंगर्स यहीं पे रख देती हूँ, जैसे कि मुझे ईजिली मिल जाए, नहीं तो मैं यहाँ वहाँ रख के मैं खुद भी भूल जाती हूँ, मेरी ऐसी आदत होती है। इसलिए मुझे जो भी सामान होता है मुझे मेरे सामने ही चाहिए रहता है। तो आज मैंने सोचा था कि आज सारी सफाई कंप्लीट कर दूँगी, लेकिन कल सिर्फ मुझे मतलब गीले कपड़े से पोंछने वाला काम रह गया है। आज जो भी सूखा सूखा काम था आज मैंने निपटाया, जो कल गीला वाला काम रहेगा वो कल के लिए मैंने छोड़ रखा है फ्रेंड्स। और मेरे गले में ना थोड़ा सा खराश है, तो प्लीज़ आप लोग से एक्सक्यूज़ कीजिएगा। मैंने अभी विक्स लगाया है अपने गले में, तब जाके मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आज मैंने अपनी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि मैं अपनी वीडियो ना आफ्टरनून से कोशिश कर रही हूँ कि अब एडिट कर दूँ, बट वॉइस ओवर ही नहीं हो पा रही थी मुझसे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैंने मेहनत किया तो वीडियो तो ज़रूर अपलोड होगी। तो यहाँ पे बच्चों का ही सारा जो भी बच्चों के बेडरूम में जो उनके एक्टिविटीज़ के जो सामान होते हैं ना टाइम पास के, तो ये यहाँ वहाँ मैं रख देती हूँ। और जो भी बच्चों के ये रेनकोट वगैरह है ये सब यहाँ से हटा के बेड में सेट करूँगी। और ये सारे काम होने के बाद पहले मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल के ना जो भी कचड़े हटा के फिर मैं बेड का गद्दा जो है ये भी हटाऊँगी, क्योंकि मैंने जब पूरी सफाई की और पता है बच्चों का बेड मैंने साफ़ नहीं किया था, ये काफ़ी टाइम हो गया बच्चों का बेड मैंने साफ़ नहीं किया है, तो इसके पीछे से भी सारा कचड़ा मैं निकाल ले रही हूँ, डस्ट जो होता है। तो यहाँ पे ना जब मैंने नीचे पूरा फर्श साफ़ कर दिया और उसके बाद में मैं ये जो गद्दा है ये मैं निकाल लूँगी। अभी फ़िलहाल घर पे कोई भी नहीं था ना, हस्बैंड भी नहीं घर पे है, बच्चे भी बाहर गए हैं, तो बस सॉरी फ्रेंड्स मेरे गले में ना थोड़ा सा खराश हो रहा है, उसकी वजह से मेरी आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी। मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रही है कि मैं इस तरीके की आवाज़ में अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो घर पे मैं सिर्फ अकेली थी ना, तो इसीलिए मैं अकेले ही सारा काम कर रही थी, नहीं तो मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प का ये सब मैं मुझे उठाने नहीं देते, वो वही सब मतलब कर देते हैं। और ज़्यादा वजन मैं नहीं उठाती हूँ, नहीं तो मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने गादी को हटा दिया है और उसके बाद
यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये खुलता है बॉक्स, और इसके अंदर मैंने सफाई अभी नहीं की थी, सारा सामान कूड़े की तरह पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने पूरा सामान ना झाड़ के पोछ के फिर से सारा अरेंजमेंट करके रख दिया है। जो भी सामान मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था हटाने के लिए, वो मैंने हटा दिया, और जो सारे सामान थे वो सेट करके बैग में करके मैंने इसमें ठीक से रख दिया। और इसमें ही बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा था। अभी कुछ दिनों में खाली हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, थोड़े पुराने कपड़े वगैरह ना रखती हूँ, जैसे कि मेरी साड़ी हो गई, ड्रेस हो गई, ये ना हमारे यहाँ कपड़े वाले मतलब बर्तन वाली आती हैं, तो उन लोगों को पुराने कपड़े दे दो ना तो बर्तन मिलते हैं, तो ऐसा सिस्टम है यहाँ पे भी। मेरे मायके में था, लेकिन यहाँ पे ना जल्दी हमारे यहाँ पे सोसाइटी में आते नहीं हैं, हम लोग को लेके जाना पड़ता है, तो यही प्रॉब्लम होती है लेके जाने वाली। तो ये देखिए यहाँ पे कितने सारा मतलब कूड़ा निकला हुआ है, जो कि काम का यूज़ का नहीं था। तो ये बैग भी ख़राब हो गया था, इसे भी मैं हटा रही हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग बताइए, आप लोगों को वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो, मेरी मेहनत आप लोगों को पद्दी की हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये बेड है ना, मैं सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ कुछ दिन के लिए, क्योंकि ना ऐसे में ना इस जगह जो है ना थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे भी झाड़ू पोछा इस तरीके से हो जाएगा फ़र्श पे, और एक ही टाइम मतलब एक ही जैसे बेड रहता है ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि अलग अलग सा थोड़ा सा जगह चेंज करने से ना मतलब माहौल चेंज हो जाता है बेडरूम का लुक। तो देखिए यहाँ पे ना जैसे ही मैं बेड सरका रही थी, इसके नीचे से इतना कचड़ा निकल रहा था, तो बस वही बेड को सरका के नीचे, क्योंकि एकदम टच है ना फर्श पे, तो बहुत धूल जो अंदर होती सॉरी फ्रेंड्स, तो देखिए मेरे खांसी भी आने लग गई वॉइस ओवर करते करते। तो जो फर्श यहाँ पे मतलब बेड के नीचे जो है ना, वहाँ बहुत था, तो ये बेड लास्ट में मुझसे हुआ नहीं, और मेरे हस्बैंड आ गए थे घर पे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की, तब जाके थोड़ा सा बेड सेट हुआ, क्योंकि लास्ट में मुझसे हो ही नहीं रहा था, फिर उन्होंने सेट किया तब जाके हुआ। और फिर उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू पूरे घर में,
और जो भी कूड़ा था सब कुछ हटाया। और ये जो गाड़ी में मैंने कंफर्टर लगाया हुआ है और ये ना वाटरप्रूफ है, इसके ऊपर मतलब कि ये जो इसे इस गद्दे को बोलते हैं डॉक्टर मतलब डॉक्टर सेट वाला गद्दा था ये, जिससे कि इसमें कोई भी कमर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बहुत सारे फॉर्म वाले गद्दे पे कमर की प्रॉब्लम का भी होता है, तो ये सब देख के मैंने ये वाला गद्दा लिया था और आज भी अच्छा ही है। 5 साल हो गए इसे मुझे यूज़ करते करते। तो फ्रेंड्स काफ़ी हैवी भी है ये, और ये जो उसका कवर है ना ये भी बहुत अच्छा है। देखिए तभी से मैंने लिया है और देखिए अभी तक मतलब ऐसे ही यूज़ हो रहा है और अभी भी देखिए ठीक ही है। तो इसे मैं निकालूंगी, पहले इसे मैं चढ़ा रही हूँ, अकेले ही चढ़ा रही हूँ, बहुत हैवी था। तो इसका कवर भी मैं धो दूंगी और जो इस पर बेडशीट था वो भी मैं धुलने के लिए निकाल दूंगी। हाँ इसे धुलने में थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा ही क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा अब्सॉर्ब कर लेता है। तो फिर मिलेंगे।